Assalamualaikum boys, finally 4 महीने की ब्रेक के बाद आई एम बैक. और पिछले कुछ 4 महीने में मेरी चीज़ों का रूम में कुछ ऐसा हाल था. एयर कप्स चेक करो ज़रा, बेचारे ऐसा लग रहा है कि रूढ़ी से उठा कर मेरे यहाँ उधड़े हुए बिल्कुल. और ये यूज़ करके नहीं हुए, ये पड़े पड़े कमरे में ह्यूमिडिटी होती है उनकी वजह से ऐसे हो गए थे. सो इंस्टेंटली कम बैक के बाद मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा. मैंने कहा चलो यार हेडफोन ख़राब हुए हैं, नए हेडफोन लेके आता हूं, उन पे वीडियो बनाएंगे. सो हेडफोन लेने गया हूं तो मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे फ़ोन पर भी चले और जो मेरे पीसी पे भी एक साथ चले, तो मैं दोनों जगह यूज़ कर सकूँ. क्योंकि फ़ोन में भी हेडफोन जैक नहीं आता और पीसी में भी हेडफोन जैक जो है मुझे कन्वीनियंट नहीं लगती भाई. सो एम वी में मार्केट गया हुआ था किसी और काम से, लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ी थी इन बड्स के ऊपर. एडिफायर्स के हैं ये, X2 इसका मॉडल है. सो मेरा प्लान नहीं था कि मैंने इसको पीसी गेमिंग और इसके लिए लेना है, वो मैंने हेडफोन माइंड में रखा हुआ था, लेकिन मैंने ये ले लिए. मैंने एक दो दिन मोबाइल में यूज़ किया इनको, अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे. कॉल क्वालिटी वगैरह सब कुछ ओके है, जैसे कि ब्रांडेड हेडफोन होते हैं, ईयरबड्स होते हैं. सो इनको मैंने दो तीन दिन अपने फ़ोन पर चेक किया, बहुत अच्छे चल रहे थे. उसके बाद मैंने कहा क्यों ना इस पर गेमिंग की जाए, स्टोरी गेम्स भी मैंने इस पर खेली हैं, तो ऑडियो इसकी बहुत ओके है और लैग बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड गेम मोड है. जो आप लेफ्ट बटन को 3 दफ़ा दबाओ तो वो गेम मोड ऑन हो जाता है. तो मैंने कहा यार वाकई वीडियो बना के आप लोगों को बताते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और आप लोगों को भी लेने चाहिए कि नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलें सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की. तो ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, जो हार्ड किस्म का प्लास्टिक होता है, अच्छा प्लास्टिक है, स्क्रैचलेस नहीं है. स्क्रैचेस इवन एक हफ्ता यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आए हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन ये सेटिस्फाइंग क्लिक से पता लग रहा होगा आपकी इसकी कितने मज़े की बिल्ड क्वालिटी है. अब मैंने पास्ट में पहले ये रेप्लिकास भी यूज़ करता रहा एयरपोर्ट वगैरह के, बट तीसरे चौथे दिन इसकी एक साइड चलना बंद हो जाती है, तो ये वो सीन नहीं है. अभी तक ओके चल रहा है और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी उससे 1000 गुना बेहतर है भाई बिल्ड क्वालिटी इसकी, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रांड की तरफ से आ रहे हैं. सो ये अच्छा ब्रांड है एडिफायर, तो एडिफायर की तरफ से आ रहे हैं तो अच्छा ब्रांड है. एडिफायर के स्पीकर आप लोगों के घर काफ़ी ज़्यादा पड़े होंगे पहले ही, सो आप लोगों को यकीन होगा कि एडिफायर ब्रांड एक बहुत अच्छा है और ऑडियो में काफ़ी माना जाना ब्रांड है. सो ऑडियो इंडस्ट्री में एडिफायर का एक नाम है और इसके फ्लैगशिप बर्ड्स भी आते हैं 30,000 रुपये के. सो मैंने ये 5,500 रुपये का लिया था. बिल्ड क्वालिटी में मैं इसको तकरीबन 10 में से 7 मार्क्स दूंगा और इसका जो स्टाइल है बिल्कुल एयरपोर्ट सिंपल वाले हैं, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है बस स्टेम थोड़ी सी आगे से, जो इसके कान है वो बाहर आए हुए हैं, प्लांट्स वैसे ज़ॉम्बीज वाला जो है ना वो सीन इस जैसा लग रहा होता है. सो बिल्ड क्वालिटी में 10 में से मैं 7 मार्क्स दूंगा, बहुत अच्छी है. नीचे वाली साइड पे आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जो इस प्राइस रेंज में 5,500 रुपये के अंदर मैंने ये लिए थे. 5,000 के सेगमेंट में टाइप सी बर्ड्स के अंदर थोड़ा रेयर है, लेकिन मिल रही है आपको. उसके बाद केस की फ्रंट वाली साइड पे एक चार्जिंग इंडिकेटर की लाइट है, जो कि आपको चार्जिंग वक्त बता देगी कि केस चार्ज हो रहा है कि नहीं. उसके बाद बर्ड्स इटसेल्फ के ऊपर भी जो लाइट्स लगी हुई हैं वो बिल्कुल वो उस तरह छियाँ छियाँ वाला मोबाइल होता ना उस जैसी नहीं लगी हुई, प्रीमियम क्वालिटी है. तो इसको जब आप ऐसे हैंड में पकड़ते हो तो प्रीमियम फील आती है, जिस तरह बहुत मज़े की चीज़ पकड़ी हुई आपने. तो उसके बाद आते हैं इसकी फीचर्स की. फीचर्स क्या है इसके अंदर, गेम मोड है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह मोड कुछ नहीं है. इस प्राइस रेंज में आपको इस तरह के कोई फैंसी फीचर्स नहीं मिलते, ना ट्रांसपेरेंसी, ना एंटी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, कुछ भी नहीं मिलता. सो आपको जो मिलता है वो गेम मोड मिलता है, जिसकी वजह से ये मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा. मैंने इसके ऊपर गेम मोड जब ऑन किया तो मुझे स्लाइटली डिफरेंस फील हुआ था कि ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है और जो लैग है वो भी रिड्यूस हो जाता है. सो लैग रिड्यूस करने के लिए ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ती है बर्ड्स को. और गेम मोड ऑन करने के लिए आप अपने लेफ्ट पे जो ईयरबड है उसको 3 दफ़ा टैप करेंगे तो गेम मोड ऑन हो जाएगा. सो कन्वीनियंट चीज़ है कि जब मर्जी गेम मोड ऑन करो, जब मर्जी ऑफ कर लो. सो कम्पेटिटिव गेमिंग में बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. तकरीबन 60-70 एमएस का इसमें लैग है, जो कि एक बर्दाश्त होता है, मतलब आप इसको बर्दाश्त कर सकते हो. नॉर्मल कैजुअल गेमिंग कर रहे हो, इवन के वॉरजोन खेल रहे हो, मल्टीप्लेयर वैलोरेंट वगैरह खेल रहे हो, नॉर्मल आप इस पे आपको फुटस्टेप्स बड़े क्लियर आते हैं, आप खेल सकते हो. लेकिन कम्पेटिटिव टूर्नामेंट्स में वहाँ पे आपको वाईफाई वाले जो हेडफोन्स होते हैं वो रेकमेंड करूँगा, या फिर हैंड फ्री जो भी आपका होगा वायर वाली चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, या फिर अगर वायरलेस है तो एटलीस्ट वाईफाई कनेक्टर के साथ हो, ताकि बिल्कुल भी लैग ना हो. सो कम्पेटिटिव के अलावा अगर आप घर में नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो तो हर काम के लिए यूज़ कर सकते हो. और इसकी रेंज भी इतनी है कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर जाता हूँ सामने कोई चीज़ लेने तो डिस्कनेक्ट नहीं होते, रेंज भी अच्छी है. सो उसके बाद बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की. केस पे लिखा हुआ है कि 28 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप, लेकिन मेरे इस्तेमाल में मुझे लगा कि इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि एक चार्ज पे तकरीबन ये मुझे 6-7 घंटे 50-60% वॉल्यूम पे निकाल जाता है. लेकिन अगर मैं 80-90% वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, सॉन्ग्स को सुन रहे हो या गेम्स फुल वॉल्यूम पे खेल रहे हो, स्टिल आपको 5-6 आवर्स का गेमिंग प्लेबैक मिल जाता है. लेकिन अगर आप इसका माइक यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं एक्सटर्नल माइक जो है अपने पुराने हेडफोन का यूज़ करता हूँ, मैंने इनको गले में पहना होता है ऐसे, और ये मेरे कान में ऑडियो प्ले कर रहे होते हैं, उससे लैग नहीं आता.
ऑडियो के लिए आप माइक यूज़ कर सकते हो उसका, लेकिन माइक ऑन करते ही इसकी क्वालिटी ऐसी हो जाती है कि जिस तरह फ़ोन कॉल की क्वालिटी होती है ना, आपको गेम की ऑडियो उस तरह की आ रही होती है। और दूसरा से मैंने जो नोटिस किया था कि ऑडियो जो है, मैंने एक दो गेम्स में नोटिस की थी कि जब आप इसका माइक यूज़ कर रहे होते हो तो ऑडियो कम नहीं होती, वो फिक्स वॉल्यूम पर रह रही होती है। उसको आप गेम के अंदर से जो मास्टर वॉल्यूम होता है वहाँ से कम करो तो ऑडियो कम होगी, पीसी से ऑडियो कंट्रोल नहीं हो रही थी क्योंकि मोबाइल के लिए बने हैं तो शायद मोबाइल गेमिंग में काम सही करता हो। हाँ, पबजी मैंने इस पर खेली थी, वो बिल्कुल ओके चल रही थी, उसमें ये कोई सीन नहीं था इस तरह के भाई फ़ोन वाली ऑडियो क्वालिटी हो गई है। पीसी के साथ मैंने देखा था कि माइक ऑन करते ही ऐसे हो जाता था जैसे मैं रेडियो सुन रहा हूँ, इतनी बड़ी किस्म की वॉइस हो गई थी। तो उसके अलावा भी ऑडियो की मैं बात करूं तो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, थोड़ा मडी साइड पे है, बेस वाली साइड पे इसका साउंड, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी पसंद है तो क्लैरिटी उतनी नहीं है। आप सॉन्ग्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो, गेम्स एंजॉय कर सकते हो, और 5500 के प्राइस टैग में आपको एक प्रीमियम बिल्ड मिल रही है, टाइप सी मिल रही है, और तकरीबन 28-30 आवर्स का प्लेबैक मिल रहा है ऑडियो में। तो मेरे ख्याल से बुरी चीज़ नहीं है, और आप इसको पीसी और मोबाइल दोनों पे ब्लूटूथ के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ डोंगल जो मैं अपनी पीसी पे यूज़ कर रहा हूँ वो टारगस की आई थिंक 4.1 है ब्लूटूथ की। सो अगर आप नई 5.1 यूज़ कर रहे हो मे बी लैग उससे और ज़्यादा आपका कम हो, लेकिन आपने जो पीसी की डोंगल होती है ना उसको पीसी के फ्रंट साइड पर या ऊपर वाली साइड पर लगाना है ताकि इस पर लैग ना आए, क्योंकि जो बैक साइड पर लगाओगे मैंने देखा उसमें थोड़ी सी आवाज़ डिस्टॉर्ट होती है, या अगर ब्लूटूथ कंट्रोलर्स भी यूज़ करते हो ना वो मैं डोंगल बैक साइड पर लगाता हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा लैग आता है। सो मैं ये रेकमेंड करूँगा अगर आपने ये लगाना है तो पीसी की फ्रंट वाली साइड पर लगाएं डोंगल को, और मेरे ख्याल से फिर लैग नहीं आएगा आपका। एंड इसकी चार्जिंग टाइम पर भी बात कर लेते हैं, तो मैंने अभी तक इसको एक ही बार चार्ज किया हुआ है, सो तकरीबन एक हफ़्ता हो गया। 28 आवर्स ऑफ प्लेबैक बहुत ज़्यादा होता है, दिन में तकरीबन 1-1.5 घंटा मैं नॉर्मल अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इतना मेरा यूजेज दिन का होता है मैक्सिमम, भी अगर मैं कंप्यूटर बैठा हूँ या अगर मैं टेस्टिंग के लिए स्पेशल बैठा हूँ तो वॉरजोन मैंने 4-4, 5-5 घंटे 2-3 दिन खेली है। सो स्टिल बैटरी अभी डेड नहीं है, अभी मैंने इनको बिल्कुल 0% करके केस में डाला है वीडियो बनाने से पहले, सो ये शो कर रहे हैं कि केस अभी डेड नहीं हुआ, अभी चार्ज हो रहा है, तो मतलब 7-8 घंटे का प्लेबैक ये भी और उसके बाद ही मैं भी चार्ज हो जाए, तो बैटरी लाइफ भाई आउटस्टैंडिंग है। ये जो कॉपीज़ आती हैं ना इनकी एयरपॉड्स वगैरह की, भाई 1.5-2 घंटे से ज़्यादा बैटरी नहीं देती, तो उस लिहाज से आपको कहाँ मिनिमम भी आप फुल वॉल्यूम पर भी 3 घंटे का बैटरी बैकअप कहीं नहीं गया। कॉल पर भी अगर आप सुन रहे होंगे तो मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे आपको बड़े आराम से देगा, सो बैटरी लाइफ की तो टेंशन है ही नहीं इसमें। सो फाइनली मेरे क्या कंक्लूजन है, क्या आप इस पर गेमिंग कर सकते हैं इस प्राइस में, अगर आप कोई और चीज़ देना चाहो तो क्या अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि बहुत ही अच्छी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मैं बता रहा था ऑडियो काफ़ी ज़्यादा मडी किस्म की है, लेकिन वो तभी पता चलता है जब आपको बड़ी कोई ऐसी क्लैरिटी वाली चीज़ सुननी हो या कोई बड़ा गेम खेल रहे हो, बड़ा ही आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है तो उसमें क्लैरिटी मैटर करती है, लेकिन इसका थोड़ा सा मडी किस्म का साउंड है तो वो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो आपको इतनी नहीं सुनाई देती, लेकिन एक्सेप्टेबल साउंड है। सो कोई भी अगर आप रेप्लिका कॉपी ले रहे होंगे इन जैसी, तो आई रेकमेंड कि 3-4 हज़ार की आपने ये जो लेनी है, 1500-2000 और डालो, और ये किसी ब्रांड की तरफ से आ रहे हैं एडिफायर्स के X2, सो मेरी तरफ से ये अच्छी बाय है। और अगर मैं इनको फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहूँगा तो उसकी यही रीज़न होगी कि तो ऑडियो क्लैरिटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मैं कोई इतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंसी मूड हो, अगर आपने बर्ड्स लगाए हुए हैं, काम कर रहे हो, नीचे घर वाले मुझे आवाज़ें दे रहे होते, पता भी नहीं चलता कि भाई गेम कर रहा हूँ, फिर आगे जोर से दरवाज़ा खड़काते हैं, भाई दरवाज़ा खोल, बाहर आधे घंटे से खड़े हैं। सो ट्रांसपेरेंसी मूड के लिए मैं कर सकता हूँ और ऑडियो क्वालिटी के लिए इन फ्यूचर, लेकिन वो फिर प्राइस डबल से भी शायद ज़्यादा मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे, तो फिर जाके मुझे वो फीचर्स में अच्छे मिलेंगे। सो ये थी बॉयज़ आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों ने इन्जॉय की होगी, अगर नहीं भी की तो यार कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो, स्लोली स्लोली हम पंप अप करते हैं काम को। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।